मूवी के स्टार्ट में हमें एक राजा को दिखाया जाता है जिसके पास ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, घर में बीवी बच्चे, उससे प्यार करने वाली प्रजा, बट फिर भी उस राजा के मन में शांति नहीं थी, वो चैन से सो नहीं पाता था। तो वो राजा पंडित जी से जाके मिलता है एंड वो उससे कहते हैं कि जब तक तुम्हें बाप का आशीर्वाद और माँ का प्यार नहीं मिलता तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। तो राजा पंडित जी से पूछता है कि ये शांति मुझे कहाँ मिलेगी, तो पंडित जी कहते हैं कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा और वो भी अकेले। तो राजा अकेले निकल जाता है अपनी मन की शांति को ढूंढने के लिए। वो कई अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाता है, कई अलग अलग गुरुओं से मिलता है, बट फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिलती। और फिर एक वक्त के बाद राजा को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसी जगह ही नहीं है, ना ही ऐसी कोई शक्ति है जो उसके मन को शांति दे सके, और वो सब कुछ त्याग कर जंगल की ओर बढ़ता है। तभी उसे गगरा की आवाज सुनाई देती है। गगरा बेसिकली एक स्पेशल टाइप के घुंघरू होता है। तो वो उस आवाज को फॉलो करते हुए एक जगह पे पहुंचता है और उस जगह पे आने के बाद राजा की आंखें नम हो जाती है और उसे वो शांति मिल जाती है जिसके तलाश में वो इतने वक्त से था। बेसिकली उस जगह पे उस गांव के देवा स्थापित थे और तभी वहां पर उस गांव के लोग आ जाते हैं। तो राजा उनसे कहता है कि आपको जो चाहिए मैं दूंगा, बस मुझे आपके देवा को अपने साथ लेकर जाने दो। तब गांव वाले कहते हैं कि राजा आपको जो चाहिए आप मांग लो, पर हमारे देवा पंजुली को हमसे मत मांगो। तभी वहां के एक व्यक्ति के अंदर पंजुली आते हैं और वो राजा से कहते हैं कि मैं इस गांव वालों का पंजुली हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ आता हूँ तो तुम इन गांव वालों को क्या दोगे। तब राजा कहता है कि पंजुली आप जो भी कहे। तब पंजुली कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और जहां तक मेरी आवाज आ रही है उतनी पूरी जगह तुम्हें गांव वालों को देनी होगी, और ये भी कहती है कि अगर तूने वचन तोड़ा तो मैं तो तुझे माफ कर दूंगा पर गुलिका तुझे माफ नहीं करेंगे। और राजा पंजुली की बात मान लेते हैं और वो देवा को अपने साथ लेके जाते हैं अपने राज्य में। एंड इसके बाद से राजा के राज में हमेशा खुशहाली रही और इसी तरह राजा की कई सारी पीढ़ियां सुख शांति और खुशहाली के साथ जीती रही। तो इस बात को अब कई साल बीत चुके हैं, कहानी 1970 में आती है और गांव में भूताकोला का फेस्टिवल चल रहा था। एंड अब जो है शिवा के डैड परफॉर्म करते हैं भूताकोला में और उनके अंदर पंजुली आते हैं। तो भूताकोला के वक्त उसी राजा के खानदान का एक आदमी पंजुली से कहता है कि मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए, ये जमीन इन गांव वालों की नहीं है बल्कि मेरे पूर्वजों की है, यानी कि मेरी, तो मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तो पंजुली कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस दे दूंगा, पर इतने सालों तक जो मैंने तुम्हारे खानदान को सुख दिया है वो तुम कैसे लौटाओगे। तो उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था और वो कहता है कि अगर तुम मेरी जमीन मुझे वापस दिला नहीं सकते तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो पंजुली कहते हैं ठीक है कोर्ट में जाओ, पर कोर्ट के बाहर तुम्हारा फैसला मैं करूंगा और ये जमीन गांव वालों की है और गांव वालों की रहेगी। तो आदमी पंजुली पे क्वेश्चन करता है और कहता है कि ये देवा बोल रहे हैं या फिर उनको परफॉर्म करने वाला। तब पंजुली कहते हैं अगर मैं देवा नहीं हूँ तो तुम मुझे ढूंढ लेना, और वो जंगल की ओर भागते हैं। एंड फिर कुछ देर बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं और तब से शिवा के डैड कभी किसी को नहीं मिले, क्योंकि शिवा के डैड के अंदर ही पंजुली थे भूताकोला के वक्त। और राजा के खानदान का वो आदमी जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट के बाहर ही वो खून की उल्टी करके मर जाता है। तो इस बात को पूरे 20 साल हो चुके हैं एंड स्टोरी अभी 1990 में आती है, शिवा भी अब बड़ा हो चुका है। और आइडियली देखा जाए तो शिवा के डैड के बाद शिवा को भूताकोला का फेस्टिवल परफॉर्म करना चाहिए, बट शिवा नहीं करता। शिवा की जगह शिवा के चाचा का लड़का गुरुआ करता है, क्योंकि शिवा को जो है वो मीट खाने की, दारू पीने की और स्मोकिंग की आदत है। और शिवा इसलिए भी नहीं करता क्योंकि भूताकोला के वक्त ही उसके पापा गायब हो चुके थे। सो इस साल के भूताकोला फेस्टिवल से पहले गांव में एनुअल कम्बाला रेस होती है जिसे बफेलो रेस भी कहा जाता है, और हर साल की तरह शिवा इस साल भी रेस में पार्टिसिपेट करता है और इस बार वो अपने खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करता है। बट जब इस रेस के रिजल्ट का अनाउंस किया जाता है तो शिवा को सेकंड प्राइज और उस गांव के लैंडलॉर्ड को फर्स्ट प्राइज मिलता है। तो ये सुनकर शिवा काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि पिछले 3 साल से वही जीतता आ रहा है और इस साल तो उसने खुद का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो फर्स्ट प्राइज उसका ही बनता है। बट गांव के लैंडलॉर्ड के चमचे सुधाकर ने रिजल्ट में चीटिंग की है, इसके लिए शिवा की लड़ाई हो जाती है सुधाकर से और शिवा सुधाकर और उसके लोगों को काफी मारता है। इसके बाद गांव का लैंडलॉर्ड दिवाकर अपने लोगों को समझाता है और वो शिवा को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए ईमानदारी के साथ वो अपना फर्स्ट प्राइज शिवा को दे देता है। क्योंकि शिवा जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर देवेंद्र के काफी सारे काम कर देता है और उसके बदले में देवेंद्र जो है वो शिवा उसके दोस्तों को दारू की पार्टी और खाने की पार्टी देता है। एंड देवेंद्र जो है वो राजा के खानदान से बिलोंग करता है एंड 20 साल पहले जो आदमी मरा था उसी का बेटा है। दूसरी तरफ गांव के अंदर एक नया फॉरेस्ट इंस्पेक्टर आता है मुरली, जो कि वहां के जंगलों में इलीगल फॉरेस्ट कटिंग और हंटिंग को रोकने के लिए आया है और वहां के फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आया है। फिर भूताकोला फेस्टिवल के वक्त इंस्पेक्टर मुरली और शिवा के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है। बेसिकली भूताकोला फेस्टिवल के वक्त वो लोग फटाके फोड़ रहे थे और मुरली कहता है कि फटाके मत फोड़ो, इससे जंगल के जानवरों को तकलीफ होती है। एंड इसी बात को लेकर शिवा और इंस्पेक्टर के बीच में आर्गुमेंट होती है और बात हाथापाई तक आ जाती है। तो इस इंसिडेंट के बाद से मुरली का तो दिमाग खराब हो चुका था शिवा के ऊपर और उसे किसी भी कीमत पे शिवा को अरेस्ट करना था, क्योंकि शिवा ना मुरली से डरता था और ना ही उसकी इज्जत करता था। और मुरली को पता था कि शिवा जो है वो इल्लीगल फॉरेस्ट कटिंग करता है और हंटिंग भी करता है। तो अभी मुरली को किसी भी कीमत पे शिवा को रंगे हाथों पकड़ के अरेस्ट करना था। एंड फिर इसी तरह शुरुआत होती है मुरली और शिवा की राइवलरी की। फिर हमें देखने मिलता है कि शिवा की गर्लफ्रेंड लीला अपनी ट्रेनिंग पूरी करके गांव में वापस आ चुकी है और शिवा अपने गांव के लैंडलॉर्ड देवेंद्र से रिक्वेस्ट करता है कि वो लीला की जॉब लगा दे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और देवेंद्र के रेफरेंस में लीला की जॉब भी लग जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। पर लीला की ड्यूटी के पहले ही दिन ही मुरली उसे उसके गांव लेके जाता है वहां पे जंगल की बाउंड्री बनाने के लिए। बेसिकली पुलिस का मानना था कि उस गांव के लोगों ने गवर्नमेंट की जगह को हड़प लिया है और इलीगल तरीके से वहां पे घर बनाए। तो मुरली वहां पे एक बाउंड्री बनाने आया था कि कितनी जगह फॉरेस्ट के अंदर आती है जो कि गवर्नमेंट की है, और उस बाउंड्री के अंदर जितने भी गांव वालों का घर है उन्हें तोड़ा जाएगा।
यहाँ पर सुधाकर भी अपने लोगों के साथ पुलिस की मदद कर रहा था बाउंड्री बनाने के लिए। तभी वहाँ पर शिवा आता है और वो सुधाकर के लोगों को मारने लगता है। बट फिर पुलिस के लोग शिवा को एक जगह पे बांध देते हैं और वहाँ पे बाउंड्री बनाकर चले जाते हैं। अब रात के वक्त शिवा लीला से काफी नाराज था क्योंकि लीला भी आई थी पुलिस वालों के साथ वहाँ पे बाउंड्री बनाने के लिए। बट लीला करती भी क्या, इतने सालों से तैयारी की है पुलिस की जॉब लगने के लिए और जॉब लगने के बाद वो ड्यूटी नहीं करेगी तो क्या करेगी। शिवा नाराज होने की वजह से खाना भी नहीं खाता और उन गड्ढों को भरने लगता है जो कि पुलिस बनाकर गए थे वहाँ पर। सो अब इस इंसिडेंट के बाद से शिवा का भी दिमाग काफी खराब हो चुका था मुरली के ऊपर एंड वो काफी ज्यादा फॉरेस्ट कटिंग करने लग जाता है और हंटिंग भी करने लग जाता है। बट यहाँ पे सुधाकर जो है वो इंस्पेक्टर मुरली के साथ मिल जाता है शिवा को अरेस्ट कराने के लिए क्योंकि शिवा सुधाकर का भी राइवल है। और सुधाकर इंस्पेक्टर मुरली को उस लोकेशन पे लेके आता है जहाँ पे शिवा अपने दोस्तों के साथ रात के वक्त झाड़ काट रहा था, पर उसी वक्त गलती से वो झाड़ इंस्पेक्टर की जीप पे गिर जाता है। तो अब शिवा को समझ में आता नहीं कि उसे क्या करना चाहिए, तो शिवा अपने दोस्तों को लेके जाता है लैंडलॉर्ड देवेंद्र के पास। तो देवेंद्र शिवा से कहता है कि सभी को पता है तुम्हारे और इंस्पेक्टर की दुश्मनी के बारे में, तो इसे मर्डर केस भी बनाया जा सकता है, तो तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ। फिर देवेंद्र की बात मानते हुए शिवा अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए जंगल में छुपता है और पुलिस के लोग शिवा और उसके दोस्तों को गाँव में हर जगह ढूंढ रहे थे। फिर एक दिन जब शिवा लीला से मिलने के लिए आया था तब पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके साथ उसके दोस्तों को भी अरेस्ट कर लेती है। इसी बीच गांव के लैंडलॉर्ड देवेंद्र ने गांव वालों की जमीन धोखे से अपने नाम कर ली थी और गांव वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं कि उनकी जमीन अब उनकी है भी नहीं लीगली। और एक दिन देवेंद्र गुरुवा को अपने साथ लेके जाता है एंड उससे कहता है कि मैं अपने जमीन में से तुम्हें 5 एकड़ जमीन दूंगा, बस तुम्हें कहना है कि गांव वालों को देवेंद्र की पुरखों की जमीन उसे वापस दे देनी है। तब गुरुवा कहता है कि भूतागोला के वक्त तो पंजुरली बात करते हैं। तब देवेंद्र कहता है कि पंजुरली तो बस थोड़े वक्त के लिए होता है, उसके बाद तो गुरुवा ही होता है और तुम तो कह ही सकते हो। पर गुरुवा ऐसा करने से मना कर देता है एंड फिर देवेंद्र उसे मार देता है ताकि उसके इरादे के बारे में गांव के किसी भी लोगों को पता ना चले। और देवेंद्र के लोग गुरुवा की बॉडी को मंदिर के यहाँ छोड़कर चले जाते हैं और गांव वाले को पता नहीं चलता है कि गुरुवा को किसने मारा है। और जब ये बात शिवा को जेल में पता चलती है कि गुरुवा मर चुका है तो शिवा काफी टूट जाता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो जेल में है। तो किसी तरीके से लीला शिवा को जेल से छुड़ा लेती है वकील की मदद से। और जेल से छूटने के बाद शिवा सबसे पहले जाता है देवेंद्र के पास ये पता लगाने के लिए गुरुवा को किसने मारा है। तो देवेंद्र झूठी कहानी बताते हुए शिवा को भड़काता है कि गुरुवा को पुलिस इंस्पेक्टर मुरली ने मारा है। तो गुरुवा गुस्से में निकल जाता है इंस्पेक्टर मुरली को मारने के लिए और मौके का फायदा उठाते हुए देवेंद्र सुधाकर से कहता है कि तुम अपने लोगों को लेके जाओ और जैसे ही शिवा इंस्पेक्टर को मार दे उसके बाद तुम शिवा को मार देना। तो इंस्पेक्टर को मारने से पहले शिवा माधव की दुकान पे अपनी तलवार को धार कर रहा था, तब माधव से बताता है कि तुम्हारे भाई गुरुवा को इंस्पेक्टर ने नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड देवेंद्र ने मारा है क्योंकि जिस दिन गुरुवा की लाश मिली थी उसने देखा था कि गुरुवा देवेंद्र के साथ गया था बट आते वक्त देवेंद्र अकेला आया था। और ये बात सुधाकर उसके लोग भी सुन लेते कि शिवा को सच्चाई पता चल चुकी है, तो लोग शिवा पे अटैक कर देते और फिर शिवा अकेला इन सभी को मारकर भगाता है। और फिर वो देवेंद्र के घर पे जाके उसे उसके गांव के यहाँ पर आने के लिए कहता है। और अब तक पुलिस इंस्पेक्टर को भी पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी कि देवेंद्र का क्या प्लान है। तो पुलिस इंस्पेक्टर मुरली गांव वालों को जाके सब सच बता देता है और उनसे कहता है कि रिजर्व फॉरेस्ट के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, तुम सब इस पे साइन कर दो, फिर देवेंद्र के डॉक्यूमेंट्स किसी काम के नहीं हो गए। और एक बार ये जगह रिजर्व फॉरेस्ट में आ गई उसके बाद तुम गवर्नमेंट से बात कर लेना, तुम्हें यहाँ पे रहने की जगह मिल जाएगी और हमारी तरफ से भी पूरा सपोर्ट होगा। और देवेंद्र को पता चल चुका था कि सभी गांव वालों के खिलाफ हो चुके हैं और अब तक शिवा भी गांव में आ चुका था, तो सभी गांव वालों को बताता है कि गुरुवा को देवेंद्र ने नहीं मारा है। और अब सभी गांव वाले काफी गुस्से में आ चुके थे क्योंकि देवेंद्र ने सिर्फ उनकी जमीन ही नहीं छीनी बल्कि गुरुवा को भी मारा है और वो लोग सब देवेंद्र को मारने के लिए रेडी थे। और शिवा भी जो कुछ भी उसने किया उसके लिए इंस्पेक्टर मुरली से माफी मांगता है एंड उससे कहता है मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गांव वालों को साथ देना। एंड तभी देवेंद्र अपने लोगों को लेके आता है हथियारों के साथ एंड फिर गांव वालों में और देवेंद्र के लोगों में लड़ाई होती है जिसमें देवेंद्र के लोग गांव वालों पे भारी पड़ रहे थे जबकि पुलिस वाले भी गांव वालों के साइड से थे। और इसी लड़ाई में शिवा इतना जख्मी हो जाता है कि वो उठ ही नहीं पाता और शिवा को ऐसा देख के सभी गांव वाले हार मान लेते हैं। तभी देवा गुलिका शिवा के अंदर आते हैं गांव वालों की रक्षा करने के लिए और वो देवेंद्र के सभी लोगों को मारते हैं और देवेंद्र को उसके बुरे कर्मों की वजह से मार देते हैं। और वैसे भी पंजुरली ने उस वक्त कहा था राजा से अगर तुम अपने वादे से मुकरते हो तो मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, पर गुलिका तुम्हें माफ नहीं करेंगे। एंड फिर इस बार के भूताकोला में शिवा परफॉर्म करता है और उसके बाद वो जंगल की ओर जाता है जहाँ पे उसे शायद उसके पापा दिखा देते हैं एंड उसके बाद ये दोनों गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।